कुछ भी बोले, तू खुद को कमतर मत कहना, करके यकीन पूरा खुद पर, तेरी मेहनत पर, तेरी हिम्मत पर, सपनों को अपनी धार बना, उठ हवा चीर दे, चल उड़ चल उड़ चल, तू पंख खोल उड़ चल उड़ चल, तू पंख खोल उड़ चल। आशी के असली माँ बाप कौन हैं और उन्होंने उसे मंदिर में क्यों छोड़ दिया, ये तो पता नहीं। लेकिन मानस और गीता ने उसे गोद लिया और अपना जीवन उसके नाम कर दिया। जब वो बड़ी हुई तो दादाजी ने उसे साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए खुद भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। लेकिन आशी की चाची मेघा कभी नहीं चाहती थी कि उसे उसके घर में जगह मिले। उसे लगता था कि आशी उसकी संपत्ति में हिस्सेदार बन जाएगी। आशी के मूक बधिर होने के कारण मेघा को उसके भविष्य से कोई आशा नहीं थी। मेघा के व्यवहार से उसका पति हेमंत खुश नहीं था, इसलिए अपना ज्यादा समय बाहर बिताया करता। बाबूजी को आशी से फुर्सत मिलती तो तभी तो बाकी काम देखते। अरे बाबूजी आप छोड़ दीजिए, आप बहुत थक गए होंगे, आप घर जाइए, ये सब हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है बेटा, हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि इतनी जल्दी थक जाएं। आशी के साथ 4-5 घंटे साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के बाद भी हम 8-10 घंटे बगैर रुके हुए काम कर सकते हैं, समझे तुम? हाँ बाबू जी, ये तो है। बाबू जी आशी के लिए तो आपको घर जाना ही होगा और घर जाने का समय भी हो गया है, आप ये अकाउंट्स फिर कभी देख लीजिएगा। हाँ डिलीवरी करवा देंगे हम। आओ आओ। अरे वाह बाबू जी, क्या बात है, आप अकाउंट चेक कर रहे हैं? अच्छा है, हेमंत को आसानी हो जाएगी, अकाउंट्स तो उसी को संभालना होता है। मैं तो वैसे कंपनी के मार्केटिंग, बिजनेस और प्रोडक्शन में बिजी रहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम दोनों मुझे घर क्यों भेजना चाहते हो? हम तो तुम लोगों का काम ही हल्का कर रहे हैं ना, फिर? हाँ वो तो ठीक है, वो जो हमें सहूलियत तो हो जाती है, लेकिन 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 कुछ नहीं, आप घर जाइए, ऑफिस को लेकर बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मुझे ये सब ज्ञान मत दो बच्चों, मैं सब समझता हूँ। ठीक है बाबूजी, फिर हम एक क्लाइंट से मिलकर आते आते भैया। आप अकाउंट संभाला कीजिए, कहीं कहीं गड़बड़ हो गई तो। तुम्हें अकाउंट्स में गड़बड़ी का शक है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है भाऊजी, लेकिन क्या होता है कि आप अगर ऑफिस संभालते तो हम लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। ऐसे कंपनी तो हम संभालते हैं, लेकिन कंपनी के असली मालिक तो आप ही हैं ना। अरे मालिक वालिक कुछ नहीं, ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है हमारे लिए। देखो मानस, मुझे काम से कभी थकान नहीं होती और ना ही परेशानी होती। परेशानी तो तब होती है जब कोई आशी की हंसी उड़ाता है। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि आशी किसी से कम नहीं, समझे? बस यही बात है कि जो मैं अपने आप को काम में लगाए रहता हूं और आशी का भी ख्याल रखता हूं।
क्या हो गया है इस लड़की को? पहले तो एक बार में ही कैच कर लेती थी, लेकिन अब तो ऑब्जर्व भी नहीं करना चाहती। जब ऑब्जर्व ही नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। इसके दादाजी की उम्मीदों को तोड़ तो नहीं सकती ना, लेकिन बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आता इसे कौन से इमोशनल क्राइसिस है। हेलो, क्या मैं आशी की मम्मी गीता से बात कर सकती हूँ? हाँ जी, कहिए। एक्चुअली मैं आशी की टीचर बोल रही हूँ। मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप सेंटर आ सकते हैं? अभी अचानक सब ठीक है ना? आशी ठीक है ना? आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप बताइए ना, कुछ इमरजेंसी है क्या? मुझे लगता है मिलकर बात करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने हस्बैंड को भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके, थैंक यू। हाँ गीता। अब सुनिए, वो आशी की ट्रेनर का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है। अभी? हाँ अभी। लेकिन क्यों? पता नहीं, मैंने पूछा भी, उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहने लगी मिलकर ही बताएंगी। अच्छा सुनिए ना, आप जानते हैं ना हम चले जाते, पर हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप चले जाएंगे क्या? गीता अभी पॉसिबल नहीं है, ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है। ये अर्जेंट मीटिंग नहीं होती मैं खुद चला जाता, हेमंत भी यहाँ नहीं है। एक काम करो, तुम खुद चली जाओ ना, प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है। पता नहीं अब क्या नया तमाशा शुरू कर दिया इसने। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, हमारा टेंशन बढ़ाती जा रही है। देखिए, ऐसे बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए सारी चीजें मन के अंदर ही रखते हैं, इमोशनल क्राइसिस हो जाती है। और मुझे लगता है आशी के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैम, पर प्रॉब्लम क्या है? क्या ये साइन लैंग्वेज नहीं सीख पा रही है, इसे समझ ना आ रहा हो, या फिर ये सीखना ही नहीं चाहती? आशी पहले बहुत एक्टिव थी, हम जो कुछ भी सिखाते थे वो झट से फॉलो कर लेती थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन आजकल आशी रिएक्ट नहीं करती, मुझे लगता है वो कुछ सोच रही है। आपके घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी बाबूजी तो इसका पूरा ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, ऐसे बच्चों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शायद इसलिए इस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मैं आशी से बहुत प्यार करती हूँ, और मेरा प्यार इसके लिए कम नहीं हुआ है। आई अंडरस्टैंड मैडम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। देखिए, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो आपके ससुर जी शेखर जी, वो जो सपना देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है आशी के साथ साथ आप लोगों को भी ट्रेनिंग घर पे शुरू करनी चाहिए, इससे आशी की भी हेल्प होगी और आपको भी टेंशन कम होगी, राइट? मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी मैम। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज आशी को प्यार से समझाइए।
अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ बेटा? चलो अच्छा बैठो बैठो, यहाँ बैठो बैठो। अरे बेटा ये क्या हुआ, रो रही है? क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी प्यार नहीं करती? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि प्यार नहीं करते? मम्मी ने मारा? चाची तुम्हें घर से निकालना चाहती? अरे ये घर जो है ये तुम्हारा है, हमारा है, हमारा है घर, ऐसे कैसे निकाल देगी है? वो कौन होती है निकालने वाली? देखो बेटा, जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है ना, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। ठीक है, हंस दो मेरी बिटिया। ले ले ले, आधे की हिस्सेदार हूं मैं, बस समय आने दीजिए। क्या बात है मेघा, मुंह उतरा हुआ सा लग रहा है। आपके साथ जो होने वाला है वो सोचकर डर लगता है। क्या होने वाला है मेरे साथ? बताने से क्या फायदा, आपको भरोसा तो होगा नहीं। अरे आप बहुत भोली है ना, और मानस भाई साहब बिल्कुल आपके जैसे, एकदम भोले भाले। क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बोलो, क्या हुआ? देखो दीदी, मैं तो वही बताऊंगी जो मैंने खुद सुना है, लेकिन बाबूजी ऐसी बात सोचेंगे मैं तो सोच भी नहीं सकती। अरे आपका उनसे कोई बैर विरोध तो है नहीं, लेकिन वो जो बोल रहे थे वो सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। अब ऐसा क्या बोला बाबूजी ना? अच्छा बताओ, अब तो डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है ना कि आपको बच्चा होने वाला है? हाँ। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका भी हिस्सा होगा? बिल्कुल होगा, ये कोई कहने की बात थोड़ी है। तो सुन लो बाबूजी, अभी से आधी प्रॉपर्टी उस आशी के नाम करने की सोच रहे हैं। मेघा, बाबूजी ने यूं ही बोल दिया होगा। अब तुम देखो, आशी तो अभी छोटी सी है, उसके हिस्से बंटवारे की बात अभी से। तुम ना छोटी छोटी बातों को ना दिल पर ले लेती हो। अब आप समझो या नहीं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबूजी कोई चाल चल रहे हैं, और हमने इस पर अभी नहीं सोचा ना तो एक दिन हमें बहुत पछताना पड़ेगा। और पता है दीदी, देखा तुम इस छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान मत हो, ठीक है? तुम्हारी तो चिंता कुछ और ही है। अरे वाह, आप अपने किशन कन्हैया के लिए लड्डू बनाने का समय निकाल ही लेती हैं। सुबह की चिंता अभी से? अरे तो आपको क्या परेशानी है जी? परेशानी क्या होगी भाई, इसमें से कुछ थोड़ा सा हमें भी मिल जाता तो मन प्रसन्न हो जाता। हरे कृष्णा, क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं आप भी। हा? अरे बच्चे की बात है तो हमारी आशी को ही दे दीजिए, है ना? अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भगवान के पहले आशी को भोग लगा दूंगा? अरे इसने आपको ऐसा कौन सा रतन दे दिया है जो आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं? रतन ही तो है ये, जब से ये आई है हमारी कंपनी का काम कितना बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है ना, हमारी कंपनी भी बड़ी होती जा रही है। और इसके आने के बाद से आपकी भक्ति तो इतना बढ़ गई है, वरना भगवान को इतना सारा भोग कब लगाती थी आप? अरे चुप रहिए, हमारे भगवान जी को कुछ मत कहिए। आज आपके पास जो कुछ भी है ना, सब किशन कन्हैया की कृपा से है, समझे?
अरे आशी ही तो माध्यम बनी है, इसी की कृपा से तो हमें ये सब मिल रहा है। आप ये क्यों नहीं मानते कि कृष्ण कन्हैया की कृपा से ही आज हमारी बहू माँ बनने वाली है? अरे हमारे घर में पोता आने वाला है। अरे भाई पोती भी तो हो सकती है, या तो इसकी बहन आएगी या इसका भाई आएगा। हाँ हर बात में ना आप इसे क्यों घुसा देते हो? मैं कोई इसकी दुश्मन थोड़े ना हूँ, है? पर जो सच है ना वो नहीं बदल सकता। हाँ पर भी पाबंदी है। कितनी समझदार है तू, लड्डुओं को तुमने बचाकर भोग लगाने के लिए रखा। हमको पता है तू घंटी की आवाज सुन नहीं सकती, लेकिन तुमने कृष्ण कन्हैया को सुना दिया। इसकी रक्षा करना प्रभु, इसकी रक्षा करना ईश्वर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा। नहीं नहीं मैं नहीं, आशी आशी ने किया। देख लीजिए, आप जिसे पराया समझती थी ना, इसने भगवान को अपना बना लिया। ये चाहे तो लड्डू खा भी सकती थी, लेकिन इसने बचा के रखा भगवान के भोग के लिए। वो देखिए आशी। जीवन में है संघर्ष बहुत, पर मेहनत तेरी साथी हो। कमजोर नहीं दिव्यांग है तू, हर बात तेरी शाबाश। साइन वाली भाषा जैसे हर विज्ञान को सीख के तू अपनी हस्ती कुछ ऐसी कर के किस्मत तेरी दासी हो।